दिल्ली के ईस्ट पेटल नगर बटरफ्लाई इवेंट हॉल में आज की दिल्ली मैगजीन योगराज फिल्म एंड फैशन और आलंबन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम आलंबन वर्ल्ड सोशल अचीवर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें हर एक कार्यक्षेत्र से संबंधित सराहनीय कार्य करने वाली प्रतिभाशाली जानी मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया। पूरे हिमाचल के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इस कार्यक्रम में हिमाचल के जिला कांगड़ा तहसील नूरपुर के परगना गांव की सुरक्षा चौहान, जिन्हें इसी वर्ष महामहिम राज्यपाल के हाथों योगा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था, उन्हें विशेष रूप से प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और साथ ही साथ उन्हें योगा गुरु विजय पद चिन्ह देकर विशेष सम्मान दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जब सुरक्षा चौहान से देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती अनैतिक घटनाओं के कारण व सुझाव के बारे में पूछा गया तो सुरक्षा चौहान ने बताया कि इसका सर्वप्रथम कारण लोगों में कानून के डर का अभाव है, तो इसलिए सर्वप्रथम देश में कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का सशक्त होना अनिवार्य है। सुरक्षा चौहान ने बताया कि दूसरा बड़ा कारण वर्तमान समय में हमारा अपनी जड़ों से अपने संस्कारों से दूर होना है। ठीक उसी प्रकार जब हम बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश अच्छे संस्कारों और सीख देकर करेंगे तो निसंदेह वे बड़े होकर अपने अभिभावकों के लिए अच्छे संतान, विश्व के लिए अच्छे इंसान और देश के लिए एक अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे, जिससे कि ये सारी अनैतिक घटनाएं स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। पर इसके लिए अभिभावकों और शिक्षकों दोनों को मिलकर काम करना होगा। योग शिक्षिका सुरक्षा चौहान ने हर आयु वर्ग के लोगों को योगा और मेडिटेशन से होने वाले लाभों से भी अवगत करवाया। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। अभी जो मैं यहाँ पे गई हूँ, दिल्ली में एक अवार्ड समारोह हुआ है, आलंबन वर्ल्ड सोशल अचीवर अवार्ड 2019, और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हिमाचल से मुझे जो है योगराज शर्मा जी ने एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया था, तो जिसके लिए बहुत ही धन्यवाद योगराज जी का। और वहाँ पे एक और जो है मुद्दा था, जो आजकल वैसे है हमारे आजकल का जो है लेडीज़ के प्रति, कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ के साथ जो अनैतिक घटनाएँ हो रही हैं, वो विषय वहाँ पर ये टॉपिक चल रहा था, तो उसमें जो है उसका जो मेन कारण, वैसे सभी ने कुछ ना कुछ अपने विचार वहाँ पे साझा किए, तो मेरा यही था कि उस विषय में कि औरतों के लिए ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था एक तो सॉलिड नहीं है, सख्त नहीं है, लोगों को उसका डर ही नहीं है, भय नहीं है कानून का। दूसरा है कि हमारे संस्कार, पहले जो होता था घर में बड़े बुजुर्ग हैं गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बच्चों को बता रहे हैं, और आजकल तो एक हम अपने संस्कारों से जो हैं बिछड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। मदर्स वर्किंग हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो इस तरीके से जो है संस्कार प्रॉपर बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, एक तो ये भी इसका रीज़न है। तीसरा है बच्चे जो है अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे ये खेल हो गई, स्पोर्ट्स हो गया हमारा, योगा हो गया, इन चीज़ों में भी बच्चों का रुझान जो है दिन प्रतिदिन बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरा ये जो सुझाव है बच्चों के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए भी, सभी के लिए, एक तो बच्चों को संस्कार दें, अपने घर का माहौल हम ऐसा बनाएं, सबसे पहले तो हम अपने आप में बदलाव लेके आएं, तभी बच्चे हमें देखकर ही ये चीज़ें सीखेंगे। दूसरा है कि योग से जुड़ें, जो मैंने पहले भी बोला है, योगा से जुड़ें, क्योंकि योगा ही हर एक जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, चाहे वो हमारा फिजिकल है, चाहे वो हमारी मानसिक बीमारियाँ हैं, हर एक टाइप की बीमारी है, सोशल बीमारी है, सभी बीमारियों का इलाज जो है योगा है। योगा से बच्चों को जोड़ें, खुद भी जुड़ें, तो ऑटोमेटिकली ये सब जो अनैतिक घटनाएं हैं, ये सब प्रकार की घटनाएं जो हैं ये अपने आप ही स्वयं ही खत्म हो जाएंगी, और बच्चे नशे से भी दूर रहेंगे। नशा जो है आजकल का, इस तरीके की घटनाओं का एक रीज़न नशा भी है, कि नशा करके नहीं पता चलता कि क्या करें, सही और गलत की समझ नहीं रहती है, तो नशे से भी दूर रहना है तो उसका भी इलाज जो है योग है। तो इस तरीके से जो है आज आके मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को संस्कारों से जोड़े और योगा के साथ जोड़े, यही जो है इसका एकमात्र इलाज है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।